छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो गली नुक्कड़ और चौराहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न में डूबे दिखे। ठीक उसी वक्त बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसर गया। 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी की सत्ता खत्म हो गई। 15 साल से चला आ रहा बीजेपी का राज खत्म हो गया। तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ में सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस के पाले में सत्ता की बागडोर आती दिख गई। मतलब सरकार में चारों तरफ त्राहिमाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। वो सब चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि कब चुनाव हो और कब हम इस भ्रष्ट सरकार को पलटें। तो मतलब साफ है कि अब की बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आंधी चली है और आंधी भी ऐसी जिसमें कमल खिल नहीं पाया। चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि अब की बार रमन सिंह से जनता बेहद नाराज हो चुकी थी। खैर, इन सब के अलावा छत्तीसगढ़ में बीजेपी के हार के लिए कई और कारण भी रहे। कुल मिलाकर जनता ने अपना जवाब दे दिया है, बीजेपी के सिर से ताज उतार कर कांग्रेस के सिर पर रख दिया है। हाथ को जनता ने अपना साथ दिया है और दिखा दिया कि आखिर क्या होती है एक वोटर की ताकत।